जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज की वीडियो लैके आए थोड़े लिए परने की, तो जो कि अपना 3.5 मीटर का परना हों वा, तो छोटा जहा थले आप बेस बनने हों वा, तुम देख ही सकते हो। तो बिना सिलाई तो अपना परना हों वा, परने सिलाई नहीं लगी होंगी, तो लैंथ होती होंगी 3.5 मीटर। तो बाकी आप करते हैं शुरू, तो ये पूनी करने की भी लोड़ नहीं पैंती। तो दो कोर्नर होंगे, एक पास आप देखो छोटा उपरली साइड, तो व्डा इधर नुक्कर फड़ देनी है। सब तो पहले आप सत्कार देवांगे इन्हों, तो मत्था टेक के तो शुरू करांगे। तो अपना हो गया पहला लड़, ठीक है। कुछ इस तरीके आप खिंच लेना वा, तो हल्का हल्का याद कर सीधी लाइन जी बना के ना, जिदा हल्का सीधी करके कन्नी सीधी करके, तो हल्का हल्का उपरा देखो उंगल की मदद ना वट बना लेने इदा इदा वट बना के ना अद्धी कख कवर कर लेनी आप। फिर इतने थल भी वट बनाने कि जिद ना पग पिन या सुई की लोड़ बहुत घट पैंती है वट बना की, पेदे बहुत वट बन जाते देखो, छोटे छोटे वट काफ़ी बन जाते देखो। पिछे का देखना आप देखो दो कन्नी होंगे ने, एक होंगी है एक होंगी, देखो दो गलिया आप इतों हल के जो खिंचना हल के जोड़ा पन्ना हों ना वो अपन बैग की ज्यादा सफाई की लड़ नहीं पैंती कि उपर से लड़ साफ करिए। बाकी दूजा लड़ लवेंगे देखो सेम प्रकार इदा ही अपन यह चीज़ तो फर्क है खिंच के करनी है, तो इतों आप वट बना लेंगे देखो इन्हें तो पग पिन या सिलाई की लोड़ नहीं पैंती, तो उंगलों की मदद में तुम वट बना सकते हो। नाल दी नाल आप लड़ भी टाइट करी जाने ने, कई बार ढिले रहते लड़ है ना, तो ढिले ना रहे आप अगे ना चंगी तरह खिच पा लेनी लड़न, तो आप लड़न सैट जरूर कर लेना, देखना वट अपने कितने कि जमा देना देखो इदा उपर करना सैट करना ना टाइट हो गया लड़, तो जब सीधे इदा बनाने शुरू कर लेना फिर टाइट टाइट नहीं होना लड़ने, तो इदा करके तो इत फिर हल्के हल्के अंगल की मदद देखो ध्यान ना देखो वट में बना कि रहा वट ये देखो सेम तरीके से वट बनाने ने। एक बारी कोशिश करूँगे दो बारी हल्का जहा पिंच करना वो नाल ही रख देना, ज़्यादा उपर भी नहीं लड़ रखना देखो, फिर इतने भी बना लेने हल्के हल्के ना कन्नी देखो देखो ध्यान ना देखो एक दो बारी प्रैक्टिस करूँगे ना तो अपने आप ही हाथ धारा टिक जाना वा, तो तीन आप ही वट बनाने शुरू कर देने, तो ना तू सिलाई की लड़ पैनी वट बनाने, तो ना ही तू पग पैन की जां सुई की किसी चीज़ की लड़ नहीं पैनी, तुहाडे सामने ही आ देख लो वट बनाए ना मैं उंगल की मदद नहीं उंगलों की मदद नहीं वट बनाए हैं, जो पग पेन जां सिलाई सुलाई कोई भी यूज नहीं की है ना, ये जो आप बेस बनते हैं ना पहली गल आप बेस जो बनते हैं ये शेप प्रोपर दिता वा। हुण अमृतसरी सितार जिहड़ी होर भी जिदा वटा होनी फ्री स्टाइल कोई भी जस्तार बनते हैं अपनी शेप तीन देखी है पग की है ना प्रोपर होंगी, तो
ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਯਾਰ ਮੇਨ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸ 1.5-2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਰਨਾ ਲੈ ਲਓ, 1.5 ਕੁ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਰਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਲਕਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਇਆ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਫ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਫ ਜਾਣਾ, ਪੱਗ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਂਡ ਹੋਈ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਊਂਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਊਂਗੇ ਅਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਗ ਜਾਂ ਪਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਨਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਸੁੱਕੀ ਬੰਨਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੈਅ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਲਕਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਲਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ੇਪ। ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਅੱਗ ਦੱਬ ਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਸੈੱਟ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ, ਟਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਵੱਟ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਰਾਡ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਲਾਸਟ ਰਾਡ 'ਚ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਕੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਥੱਲੋਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਡ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਬਚੀ ਲੈਂਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲਾਡ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੈਕ ਸੈੱਟ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਲੜਨਾ ਪਲੇਨ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉੱਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਲੇਨ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਰਨਰ ਪਲੇਨ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੱਪੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟੋਇਆ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਏ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਛੋਟਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਕਣਾ, ਉੱਪਰ ਚੁੰਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਮੁੱਠੀ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫੜਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਜਦਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
लास्ट तो मेरा 3.5 मीटर तो भरना होता ना, तो थोड़ा ही बचता वा, यानी कि ज़्यादा नहीं बचता। ठीक है, तो भरना तो मैं बन नहीं लगता सामने, तो हल्का ही अपन सैट कर लेना हूँ, जिदा है ना शेप में सैट कर लेना वा, आह चीज़ तो कर ली, जिदा हूँ आह चीज़ आ देखो ना, आह चीज़ बाहर ना आया इतों, आ देखो हल्का सीधा नहीं बन रहा, इन सीधा करना आ जा, ये हम प्रोपरली सीधा हो चुका देखो, बाकी वट वुट जिन्ने क पाने जो होर भी इस तो बरीकी च वट पाना चाहते हो तो वह तुम पा सकते हो, और सुई ना पग पहनना, ठीक है, सिलाई ना भी पा सकते जो मोटे मोटे पाने, तो जो आप पग पहन या सुई मारनी है वह बिल्कुल सीधी नहीं मारनी, थोड़ी जी टेढ़ी करके उपर मार, आ चीज़ टेढ़ी करके मारूंगे तो वह वट पै जूगे, तो थोड़ी जी अपना शेप सैट कर लीए, हल्की जी ना उपरों शेप का लग रहा है मैनू, तो वह आप सैट कर लीए, तो हल्का जी इदा दब भी सकते है ना, दब लेना हल्का हल्का लिखा, ठीक है, प्रोपर शेप सैट ही है अपनी, तो हम ना मैं आह चीज़ अलग टोया जहा लग रहा, देखो हल्का का टोया लग रहा है ना, इन हल्की जी पहला परना है ना बन लिया, तो हूँ ना मैनू हल्का हल्का ना आ चीते घटोया जहा लग रहा, आ चीते घटोया लग रहा ना, आ चीते हूँ अं ला तो सकते नहीं पूरे परने, हम लाड़ लाता वा, हम लाड़ खोलांगा पूरा, लाड़ खोलन की लोड़ नहीं, आ देखो तो हल्का जहाँ एक देखो कि कपड़ा वा, इन्ना कपड़ा ले लेना छोटा जहा, आ देख लो छोटा जहा कपड़ा ले लेना, तो इन्ना कू फोल्ड कर लेना, तो तह ला लेनी होंगी लंबी तह ला लैनी जिनी इन्नी का, देखो आ गई ना तह खोलनी है, उपरों लाड़ फड़ना है ऐसी ना सिलाई की मदद नाल उन्हें उत्थे पहुँचा देना, देखो देखो तुहाडे सामने ना ये देखो आ देखो आप आ चीज़ ना कपड़ा पाता वा, तो लाड़ में सैट कर लेंगे एक मिनट, आ देखो आप उपरों ही सैट कर सकते, यानी कि आ देखो यार अपने आप ही बहुत वधिया हो जाता वा, लो जी अपना भरना तैयार है, तो बाकी वीडियो वधिया लगी ना तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिओ, तो जिहड़े जिहड़े वीर अपने भरना सीखना चाहते है ना उन्होंने वीडियो भी सेंड कर दिओ जिन्हें नहीं भी पता, तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि योग ही ना तुहाडी नैक्सट वीडियो जिहड़ी अपनी आवे तो तुहाडे तक पहुँच सके, जिदा होर भी मैं बेस की वीडियो पहले पाई हुई है, बेस जिहड़ा मैं बन्निया थल्ले इहदी वीडियो पाई आ, पहला अपलोड की आ, तो वह भी तुम चैक कर लो एक बेस भी आप कि बनाना वा यार, कई ना काफ़ी कपड़े बच्चे पा लेंगे छोटे छोटे कपड़े है ना, तो आप सामने बन्ने कोई कपड़े न कुछ नहीं पाया कपड़ा है ना, अपन इतने लौट पी चलो छोटे कपड़े नहीं पा लिया अपना, बाकी नहीं तो आप देख लो बेस के बच्चे कोई कपड़ा नहीं पाया, तो उदा भी तुम वीडियो भी देख लियो जी बेस की वीडियो पाई है, उनके भी मैं कोई भी कपड़ा बेस भी नहीं पाया है, एक भी कपड़ा बेस के नहीं है, तो जो सिंपल 1.5 मीटर का परना अपना तो वह ही बेस आ देख लो भावें, ठीक है, तो बाकी कमेंट करके दस दो तुम परना फिर किवें लग्या, ठीक है, तो जो वधिया लग्या तो कमेंट कर दो, शेयर जरूर कर दो वीडियो नू, ते चैनल नू सबसक्राइब कर लो, तो बाकी तुहानू इहदी शेप दिखाना बैग, हाँ देखो ठीक है वट चैक कर लो, ठीक है जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।